प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और सुमित जैन साहब, और पाकिस्तान की तरफ से होंगी पत्रकार आरजू काजमी और फकर यूसुफजई। ये चारों बहुत ही जबरदस्त और मजेदार डिस्कशन करेंगे भारत और पाकिस्तान पे, और एक दूसरे की टांग भी खींचेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। यार आप लोगों का कोई एक आदमी है, ये है कादियानी अजहर नवाब, भाई का नाम भी आहो, जो भी जिहादी है यार। हाँ बहुत जिहादी टाइप आदमी है ये। बार बार ये बोलता है कि चाइना की, पाकिस्तान की, चाइना की इकोनॉमी $3 trillion है और पाकिस्तान में इतना पैसा फेंक रहा है कि लोग घर से बाहर निकलते हैं, पैसा उठाते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं, कोई नौकरी नहीं करता। वो होता क्या है, ये कौन सी नौकरी, ये कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? ये क्या है कि जो इनका कॉरिडोर बनना था ना, ओ भाई जो कॉरिडोर बनना था उसके ऊपर अब्दुल ने वहां पे पंक्चर लगाने थे, और जो अब्दुली थी उसने चाय पिलानी थी। तो वो कह रहा कि वो जाते हैं काम करके घर पे पहुंच जाते हैं, वो यही काम करना था वही कर रहे हैं वहां पर, और तो को काम दिया नहीं चाइनीज ने इनको। और आप लोग ज्यादा पैसे की बात कर रहे हैं, कुछ काम तो दिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ काम तो बिल्कुल दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी क्या करते हैं, जिस सड़क पे चाइनीज की गाड़ी आती है वहां पे कील ठोक देते हैं, ताकि जब गाड़ी आए तो गाड़ी पंचर हो जाए। तो ये काम तो बड़ा अच्छा किया आपने। अगर ये है कि देखिए जब सीपैक बन जाएगा तो अब फिर जो तोते उड़ेंगे ना सबके, जब हाँ मतलब अगले जन्म की बात कर रही हूँ, चाइनीज के अगले जन्म, हाँ हमारे सबके अगले जन्म में, तब देखिएगा क्या हाल होता है। फिर आप अच्छा, लोग हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो, पाकिस्तान बात कर ले, हम बात ही नहीं करेंगे। आप लोग मेरा जितना पैसा बता, अगले जन्म में, अगले जन्म में जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब तक चाइनीज की सारी गाड़ियों के पंचर हो चुके होंगे। आप लोग कितना पैसा बता रहे हैं ना, कोई और पंचर कर रहा है साहब हमारे यहाँ। तो हमने तो यही बोला था कि $60 अरब लेके आएंगे, अब पता नहीं कितने उसमें से पैसे आए और कितने हमसे वापस वो लेके चले गए। हमें तो यकीन करें कोई अता पता नहीं। होस्ट को भी कुछ बोलने दो आप लोग, वो बेचारा मैं कह रहा हूँ आज यही समझ आ रहा कि होस्ट है। बट हाँ पहली चीज तो यार एक मिनट, मैं होस्ट इसलिए कि मैंने ऊपर से लोगो हटा दिया है, सब मेरा लोगो देखा करो कि मेरा चैनल है यार, सबके सब अपना मालिकाना हक लेकर घूमने शुरू कर देते हो। मैं ये बोल रहा था कि मेरी जितना पैसा बता रहे हो इनकम टैक्स वालों से भले ही बचो, मेरी बीवी भी सुनती है इसको, पर कल कॉलर पकड़ के बोलेगी पैसा निकाल, कल तक तो मैं सैलरी कम बता रहा था, और मुसीबत है, इसलिए समझा करो यार। मतलब इनकम टैक्स से तो फिर भी आदमी बच सकता है, बीवी से कौन बच पाएगा। रॉय जी आप सॉरी रॉय कह रही हो, सभी जी बिल्कुल आप यहाँ शो में हरगिज मत बताएगा इसके पास कितने पैसे, और वो जो नई गाड़ी आप इसकी चला रहे थे ना उस दिन, आप लोगों ने मुझे वीडियो कॉल की थी, कार ड्राइव कर रहे थे आप इसकी जो नई इसने ली है BMW, उसी दिन ली थी इसने, तब मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा था, वो इम्पोर्ट किया था मैंने, वो जैन साहब, वो जैन साहब सिटी ट्रांसपोर्ट बस चला रहे थे, वो सिटी ट्रांसपोर्ट बस चला रहे थे जैन साहब, वो गाड़ी नहीं थी, मैं साथ बैठा मैं तो पता है जैन साहब ट्विटर पे पिक्चर वगैरह देख रहा था, तो मुझे तो लगा कि मैंने तो सुना था कि उसी दिन मतलब पहुंची थी, और ये कह रहे थे कि चले आपको जरा ड्राइव करवा लेते हैं, एंजॉय करते हैं जरा देनी में। हां मैंने पूरा एंजॉय किया उस दिन, मैंने फोटो भी लगाई थी इसीलिए कि भाई इनकी नई नई गाड़ी निकाली थी इन्होंने किया की, तो मैं कहा चलो टेस्ट ड्राइव कर लेते, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, बहुत मजा आया। 26वीं गाड़ी थी इनकी, 25 तो पहले थी इनके पास, अपने नाम पे नहीं रखी ना सारी गाड़ियां, पूरे फैमिली के नाम पे गाड़ी ली हुई है। नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन दौलत तो इनकी है ना, दौलत इनकी है, सही बात, दौलत इनकी है, असल मसला तो ये है, बाकी चीजें छोड़ रहे वो बेशक किसी के नाम भी, वो मोदी जी के नाम पे निकलवा ले गाड़ी, ऐसी क्या बात। अब जब भी मेरे घर की घंटी बजेगी सबसे पहले मैं बोलूंगा इनकम टैक्स वाले तो नहीं आए, यही होगा। नहीं मुझे भी जो शॉल अभी अभी, अभी जो है ईडी ईडी के पास में गाड़ी निकली है, वो भी जो केजरीवाल की, वो भी निकली अभी, वो भी बेनामी थी। मुझे भी जो शॉल भेजी थी ना रोहित ने, वो ब्लैक कलर की शॉल थी, उस पे गोल्डन काम था, उस शॉल के अंदर जो है ना $500 भी लगे हुए थे, पता नहीं क्यों भेजे, लेकिन कह रहे इंडिया से पाकिस्तान, क्या बात है। अच्छा अब आपने ये मैटर इनकम टैक्स का ही नहीं, अब आपने स्मगलिंग का भी बना दिया इसको ना, बहुत अच्छा, डरने की जरूरत नहीं आपको, वो भी क्रॉस बॉर्डर बना दिया, और जो आदमी लेके गया था वो तो यही अरेस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ
परेशानों की जरूरत नहीं है। 500 पे कौन अरेस्ट होता है यार, $500 पे कौन अरेस्ट होता है, क्या बात कर रहे हो। हम दोनों के चक्कर में एक तीसरा आदमी बुजुर्ग आदमी जेल पहुंच जाएगा, चपंगा यहाँ है, 500 और अगली बार से हम उसको बोलेंगे सर सर कुछ सामान वहां भेज देना, बोला तेरी सांस ना लेके जाऊं, तेरा बुखार ना लेके जाऊं। यार $500 में कौन अरेस्ट होता है, अजीब सी बात है। हमारे यहाँ तो इतने इतने डॉलर, भाई आपके वहाँ तो लाखों बन गए $500, क्या बात कर रही हैं आप, इतना बड़ा अमाउंट बन गया आपके लिए। $200 पे अरेस्ट हो सकता है आदमी अगर अनडिक्लेयर्ड है तो। ओ नहीं 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 भाई गलत है वैसे ये बात, ये कानून नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत 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 इन्फॉर्मेशन आती है रोहित शर्मा की तरफ से, उसके बाद पकड़े हम सब जाते हैं। अभी तो पिछली जो न्यूज थी उसी से अभी छुटकारा नहीं मिला। मैंने तो इसको कहा जब तक डेड बॉडी नहीं आता वो पूरा दबा के देख लिया करो क्या, फिर किसी को पड़ जा तो नहीं गया। नहीं मैं कह रहा हूँ जैन साहब को कि बार बार ना पूरा दबा के देख लिया करो तो भाई दर्द हो रहा है क्या। नहीं इसका प्रॉब्लम ये ना, रोहित कहते हैं, रोहित का कहना है कि जी एकदम ताजा खबर होनी चाहिए, मतलब आप दो मिनट भी वेट ना करें कि खबर का पता, कहते छोड़ दो मार्केट में जाके खबर को छोड़ दो, इसलिए एक हमारे कौशिक रमेश कौशिक जी बोल रहे हैं, हालांकि मेरा भी गोत्र कौशिक ही है, बोल रहे हैं रोहित परेशान मत हो मैं हूं ना, मैंने कहा थैंक्स अ लॉट रमेश जी, आप जैसे लोगों को यही तो असल परेशानी है, परेशानी यही है। राइट ऐसे लोग तो मेरे, ये दीज पीपल आर माई इंस्पिरेशन, दीज पीपल आर माई सोर्स। फाइनली हम आधे घंटा अप्रोच कर रहे हैं और मैं फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि अब आप कहाँ जाते देखते हैं जैन साहब, देन आरजू जी एंड देन फकर भाई। जैन साहब अब आप कहाँ जाते देख रहे हैं इस लव ट्राइंगल को, इंडिया पाकिस्तान चाइना आफ्टर दीज अटैक्स? पहली बात आपने पूछा कि मैं कहाँ जाता दिखता हूँ, अभी मैं डिनर करने जाऊंगा और कहीं ज्यादा दिखता नहीं हूँ मैं, और मेरी वाइफ ऑलरेडी वेट कर रही है। एज फार एज ये लव ट्रायंगल है इसका, इसका था पाकिस्तान का चाइना का, पहली बात ये बता दूं आपको कि आपने क्वेश्चन पूछा था AK-47 वाला, आपकी न्यूज बिल्कुल सही है, इन्होंने तो माना नहीं है कि इनके कंट्री में क्या हालत है, क्योंकि इनकी सॉवरेनिटी ऑलरेडी चाइना ने खत्म कर दी है। जितनी भी चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में काम करती हैं उन सबके अंदर प्राइवेट मिलिट्री खड़ी कर दी है चाइना ने, क्योंकि ऑफिशियल मिलिट्री डालेंगे तो पंगा पड़ जाएगा, तो ओपनली हो जाएगा कि इनकी जो सॉवरेनिटी है वो लूज हो गई, इसलिए प्राइवेट आर्मी भेजी है उन्होंने AK-47 देकर। तो वो इंजीनियर नहीं है, आर्मी के रूप में सिविलियंस बन के आते हैं एज मिलिट्री, तो ये आप समझ सकते हैं कि इसके बाद ये लव ट्राइंगल बंदूक के नोक पे चलेगा और कुछ भी नहीं होगा। राइट, बंदूक के नोक पे लव ट्राइंगल चलेगा। और अर्जुन जी क्या आप कैसे देखते हैं इस लव ट्राइंगल को, क्या ये बंदूक की नोक पे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान चाइना दोस्ती रहेगी अमेरिका के साथ? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने कहा कहां जा रहे हैं, तो मैं भी पकौड़े बनाने जाने वाली हूँ क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे भी यही लगता है जो सुमित सर कह रहे हैं कि अब जाहिर है सिक्योरिटी वो हमारे यहाँ हाई अलर्ट कह दिया जाता है जी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब चाहे वो चाइना के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, उनकी सिक्योरिटी पे ज्यादा लोग लगाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि दोबारा कुछ टाइम तक इस किस्म के हादसा ना हो। लेकिन कुछ टाइम तक इसलिए कह रही हूँ कि आगे जाके कुछ ना कुछ फिर होगा, क्योंकि जाहिर है कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो जिस तरह काम करती हैं उसकी वजह से भी होगा। फिर BLA है, TTP है, क्या क्या है यहाँ पर, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इतना सिक्योर होके और इतने आराम से जो है कोई भी कंपनियां काम कर पाएगी। राइट, वगर भाई फाइनल क्वेश्चन आपसे, वेयर डू यू सी दिस? जहां तक बात आप ये बता रहे हैं कि ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी है इसके लिए लास्ट टाइम भी चीन ने बोला था, जनरल बाजवा जिस वक्त थे उस वक्त भी, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर जब आए उस वक्त भी उनसे ये बात हुई थी कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सिक्योरिटी लगाना तो चले वो लगा सकते हैं, कुछ जगहों पे उनके अपने लोग साथ होते भी हैं, बट पाकिस्तान के लिए फिर और बड़ा मसला बन जाता है। उसकी बात मैं आपको बता दूं, मतलब सुमित जैन साहब तो वहां रहते हैं, मतलब चाइनीज इनको आती होगी, लेकिन यहाँ पे लोगों को नहीं समझ आती, तो क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर्स भी होते हैं वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे, डाक करके गोली चल गई, मतलब हो सकता है ना, ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरी पाकिस्तानी जो इदारे हैं सिक्योरिटी के उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रोहित जी, कि आपके मुल्क में यानी इंडिया के अंदर
बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है ना, 100 बिलियन 50 बिलियन, इस तरह के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि हम अपने फौजी या कोई भी हम अपने साथ लेके आएंगे, तो आपके लिए मतलब एम्बैरेसमेंट होती है। हम जो मर्जी कह दें कि उनका पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस है तो उन्होंने अपने लोग लगाए हुए, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी मजीद उससे खराब होती है इस तरह की चीजों से कि भाई आप हम एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके मुल्क में, सिर्फ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर दूसरी आप हमें सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम अपनी सिक्योरिटी भी लेके आते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है, जहां जहां पे भी होगा। फिलहाल तो काम नहीं होना, 6 महीने हैं या साल है, ये चीजें सारी चीजें मतलब क्लोज रहेंगी, कोई काम नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने लोगों को यहाँ रखना है, क्योंकि फिलहाल उन्होंने अपने लोगों को निकाल दिया, प्रोजेक्ट के ऊपर काम बंद कर दिया, पाकिस्तानियों को छुट्टी दे दी विद 50% पे के साथ। तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक ज्यादा और मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है कि अगर उनके सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं और ये सारा कुछ होता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब ज्यादा सोचना चाहिए। पहले भी सोचना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं सोचा था, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ सोचेंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा। राइट, सोचना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन। देखिए, इस डिस्कशन में एक चीज तो क्लियर हुई कि ये लव ट्रायंगल जो है इतना आसान नहीं है। इंडिया का 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, उससे ज्यादा का ट्रेड है चाइना के साथ, और उसमें पाकिस्तान घुसने की कोशिश भी करेगा तो उसकी इम्पोर्टेंस जियोस्ट्रेटेजिक ही होगी, कभी भी दूसरे रिलेशंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, एक ट्रबल तो इंडिया के लिए है ट्रू फ्रंट वॉर की, और चाइना एक अनरिलायबल एलाय है जो कि इंडिया का भी किसी जमाने में था लेकिन इंडिया से ही वॉर में आ गया था, तो चाइना पे भरोसा करना मुश्किल है। थैंक्स अ लॉट ऑल द थ्री पैनलिस्ट, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन चारों का पूरा डिस्कशन और मजेदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।